So very good morning to all of you. Bete, I can see very less students in the class. Please do attend the classes. We are about on the verge of completion of our syllabus. This is last chapter of microeconomics. ठीक है? Okay. If you can manage, तो tell your friends to come. Bete, our last chapter, market equilibrium under perfect competition. तो बेटे परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट सिचुएशन है वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट एट यूनिफॉर्म प्राइस. सो बच्चे जब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं तो हमने ये भी देखा कि एक सिंगल सेलर जो है वो अपना प्रोडक्ट का प्राइस खुद डिटरमाइन नहीं कर सकती. Number of sellers under perfect competition is so very large that a single seller cannot, by his actions, he cannot influence market supply. Hence, he cannot influence market price. Okay, so price is determined by the market forces. इक्विलिब्रियम प्राइस वहां पे डिटरमाइन होता है जहां पर मार्केट की डिमांड मार्केट की सप्लाई के इक्वल हो जाती है. उसी को हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम. ठीक है? सो जिस तरह से हमने कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम डिटरमाइन किया, जिस तरह से हमने ये देखा है प्रोड्यूसर कैसे इक्विलिब्रियम अटेन करता है, वो हमने नहीं किया क्योंकि वो सीबीएसई ने सिलेबस में से डिलीट कर दिया है. तो उसी तरह से एक मार्केट, मार्केट का मतलब इकोनॉमिक्स में कभी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होता. बाय मार्केट वी ऑलवेज रेफर टू अ प्रोडक्ट मार्केट. जब भी मैंने कहा आपको, जब भी कोई आए बेटे यहां पर मोनोपोली एग्जिस्ट करती है, तो सपोज करो मैंने कहा शू इन जलंधर में शू मार्केट में मोनोपोली है. सपोजिंग मैंने कहा जलंधर में शू मार्केट में मोनोपोली है, तो इसका, या मैंने कहा जलंधर में ना एक इंडस्ट्री में मोनोपोली है, तो इसका मतलब आई एम रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो अगर मैं बोलूं कि ये देखो यहां ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करती है, ये सिचुएशन है ए बी सी डी, यहां पर ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करती है, यानी यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स से आपने क्या मतलब लेना है? लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है? ऐसा नहीं कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स है मतलब बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जो अलग अलग चीजें बना रही है. नहीं, इन इकोनॉमिक्स व्हेनेवर वी से द वर्ड मार्केट वी ऑलवेज रेफर टू अ प्रोडक्ट मार्केट. ठीक है? सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम? मार्केट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पर मार्केट की डिमांड मार्केट की सप्लाई के इक्वल हो जाती है. जहां पर मार्केट की डिमांड मार्केट की सप्लाई के इक्वल हो गई, वहां हम कहेंगे मार्केट क्लियर्स इटसेल्फ. इन दिस सिचुएशन मार्केट clears itself. It is not at all technical. Market अपने आप को clear कर रही है. मतलब ये large number of, suppose करो wheat market की बात करते हैं, ठीक है? उसके sellers कौन है? Farmers हैं. तो वो farmers जो है, अप्रैल का month हमारा harvesting का month होता है, सब अपने wheat की ढेरियां लगा दी सबने, ठीक है? और जो price fix हुआ उस पे सेलर्स ने सारी की सारी ढेरियां उठा ली, मार्केट इक्विलिब्रियम आ गया. यानी व्हाट द बायर्स आर रेडी टू बाय एट, व्हाट द सेलर्स आर रेडी टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस इज इक्वल टू व्हाट द बायर्स आर रेडी टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस. सो मार्केट क्लियर्स इटसेल्फ. ये उठाई गई, मार्केट क्लियर हो गई. ठीक है? सो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम. यू इवन राइट इट डाउन. कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द स्टेट ऑफ मार्केट वेयर मार्केट डिमांड
इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर प्राइस. कॉरेस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर प्राइस मीन्स क्योंकि डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन है, डिमांड और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी वो प्राइस के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है. तो जिस पर्टिकुलर प्राइस पे मार्केट की डिमांड मार्केट की सप्लाई के इक्वल रहेगी, वहां पर हम कहेंगे मार्केट इज इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस, दैट इज मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम. ओके, सो इन दिस सिचुएशन एंड में लिख लो, इन दिस सिचुएशन मार्केट क्लियर्स इटसेल्फ, दैट इज देयर इज नाइदर द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड नॉर एक्सेस सप्लाई. देयर इज नाइदर द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड समझ गए, एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन है जहां पर मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई से ज्यादा होगी, और ना ही एक्सेस सप्लाई है, यानी एक्सेस सप्लाई वो सिचुएशन रहेगी जहां पर सप्लायर ज्यादा बेचने को तैयार है लेकिन बायर्स उस पर्टिकुलर कमोडिटी को कम लेने को तैयार है. ठीक है, अब बेटे जिस प्राइस पर मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई की इक्वल होगी उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस. सो नेक्स्ट लिख लो, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस. इट इज द प्राइस वेयर मार्केट डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी. एट दिस प्राइस मार्केट क्लियर्स इटसेल्फ. ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस लिख लो. इक्विलिब्रियम प्राइस रेफर्स टू द प्राइस वेयर मार्केट डिमांड ऑफ ए कमोडिटी is equal to market supply of a commodity. At this price, market clears itself. Now, what is the concept of equilibrium quantity? The quantity of a commodity corresponding to equilibrium price equilibrium quantity refers to the quantity corresponding to equilibrium price. At this quantity, there is no excess demand, no excess supply in the market. No excess demand, neither exists excess demand nor excess supply in the market. ठीक है बच्चे, लिख लिया इतना. नेक्स्ट इज बेटे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. यही तो हमारे चैप्टर का नाम है, मार्केट इक्विलिब्रियम. मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होगा? आपने अभी बोला मेरे को बताया कि क्या कहां पे डिटरमाइन होगा. वेयर इज मार्केट सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम?
When where market demand is equal to market supply. बेटे equilibrium word किससे बना है? Equality से बना, ठीक है? Equilibrium का मतलब है state of balance. हर कोई अपनी life में state of balance चाहता है, चाहे वो consumer है, ठीक है? हम सब consumers हैं, तो as a consumer we want a state of balance. That is we want maximum satisfaction. No, हम कह रहे हैं पैसा दे के मेरी चीज ली है तो उसकी वर्थ मिले. कहते हैं ना हम कि जितने पैसे दिए रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, ठीक है, बुफे है, 1000 रुपए दिए हैं, तो हम कहते हैं ना वर्थ मिले. हम 7 बजे जाके बैठ जाते हैं, 11 बजे तक बैठे रहते हैं, वर्थ मिले. वी आर अटेनिंग अवर इक्विलिब्रियम. एक प्रोड्यूसर है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है ना. वो क्या चाहता है? वो चाहता है उससे मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिले. तो एज अ प्रोड्यूसर ही इज ऑलवेज एमिंग द स्टेट ऑफ बैलेंस, दैट इज ही इज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग हिज प्रॉफिट. तो जहां तो मार्केट भी इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहती है. इक्विलिब्रियम मतलब स्टेट ऑफ बैलेंस. तो किस में इक्वालिटी आएगी तो मार्केट इक्विलिब्रियम अटेन करेगी. मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई, ठीक. व्हाट इज मार्केट डिमांड? ये हमने टर्म 1 में पढ़ा था. व्हाट इज मार्केट डिमांड? सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है. लव सपोजिंग एक है इंडिविजुअल डिमांड, दूसरी है मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या है? एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइसेस के ऊपर एक कमोडिटी की कितने यूनिट्स लेने को तैयार है और ले सकता है. दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल बायर एट वेरियस प्राइसेस. मार्केट डिमांड का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट एट वेरियस prices, ठीक है. इट इज द सम टोटल ऑफ, या सीधा ऐसे लिख दो, इट रेफर्स टू क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट एट different prices. ठीक है बच्चे, सबसे पहले आपने क्या लिखना है डिटर्मिनेशन के अंदर? मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई. फिर नेक्स्ट लाइन में मार्केट डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट at different prices. It is indicated by, इसको हम किससे indicate कर सकते हैं? It is indicated by, किससे पता चलेगा? या schedule से या curve से? By market demand schedule or market demand curve. It is indicated by market demand schedule और मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है. इसी तरह मार्केट सप्लाई की बात करें, व्हाट इज मार्केट सप्लाई? अगेन इट रेफर्स टू क्वांटिटी सप्लाइड. बेटे पता क्या होता है, कई बारी बुक्स में आपको एक अच्छी लैंग्वेज के लिए वो अलग अलग वर्ड्स यूज कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग से डिफाइन कर देते हैं. बट एक एवरेज बच्चा जो होता है ना, वो उसको रट्टा लगाने के चक्कर में ही घूम जाता है. सो बेसिक आप अपना फोकस रखो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में. अगर आपने सिंपल वर्ड्स में भी कॉन्सेप्ट को समझा दिया, कोई भी एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट सकता, है ना. कई बारी हम चले जाते हैं वर्ड्स की फ्लावरी लैंग्वेज. बेटे ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे एक तो जनरल लैंग्वेज भी नहीं होनी, टेक्निकल है. आप बोलो कि मैम ये देखो भाव तो समझो ना, वही लिखा है मैंने, पर वर्ड सप्लाई नहीं लिखा या प्राइस नहीं लिखा या इक्विलिब्रियम नहीं लिखा, मार्क्स नहीं मिलेंगे. हाँ कोई और फ्लावरी लैंग्वेज भी लिख दी और ये भी लिख दिया तो एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं मिलने.
सो फोकस करो अपना कॉन्सेप्ट पे। जब हम तीन तीन लाइनें एक कॉन्सेप्ट की लर्न करते हैं ना, हम खुद ही उसमें घूम जाते हैं, फिर कल को कोई इंटरव्यू में हमसे पूछेगा तो हमारी वो लैंग्वेज मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए आप एक एक लाइन इसकी रखो। अब मैंने वहां पे ऐसे लिखवा है क्वांटिटी सप्लाइड, या अब मैं इसको चाहूँ तो अलग तरह से भी लिखवा सकती हूँ, ठीक है। लेकिन हम मैं वही सिंपल यूज कर रही हूँ ताकि आपको बस सप्लाइड वर्ड चेंज किया, सेलर्स चेंज किया, आपका मार्केट सप्लाई पता चल गया आपको। क्वांटिटी सप्लाइड बाय ऑल द सेलर्स, है ना, इन द मार्केट एट वेरियस प्राइसेस। सो क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब क्या होता है, दैट क्वांटिटी विच ऑल द सेलर्स इन द मार्केट आर रेडी टू सेल, रेडी टू सेल। इट डज नॉट रेफर टू द क्वांटिटी अवेलेबल विद देम, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी विच दे आर रेडी टू सेल। आप एक फार्मर हो, आपने वीट हार्वेस्ट की, आप अपने चार ट्रक लेके गए, ठीक है, आपने जाके देखा मार्केट में प्राइस चल रहा है 100 रुपए पर क्विंटल, आपने कहा ये तो बहुत कम है भाई, और आपको पता है आप इतने सालों के एक्सपीरियंस्ड हो मार्केट के, तो आपने कहा अभी बढ़ेगा प्राइस, तो आपने क्या किया, एक ट्रक बेच के बाकी तीनों वापस ले आए। सो विच मीन्स हाउ मच यू आर रेडी टू सेल दैट वन ट्रक, दैट इज क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। इट इज इंडिकेटेड बाय मार्केट सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई कर्व, लिख लो। इट इज इंडिकेटेड बाय मार्केट सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक, मार्केट इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन एट द प्रिवेलिंग प्राइस इन द मार्केट, when at the prevailing price in the market quantity demanded is equal to quantity supplied, ठीक है। अब पता चल गया मार्केट का इक्विलिब्रियम कहां पे रहेगा, जहां पर मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के इक्वल रहेगी। इसको हम शेड्यूल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कर्व से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले लिखते हैं, इट इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल, डिटरमिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल। तो बेटे वी विल बी मेकिंग 3 कॉलम्स, सेंटर में हम प्राइस का ले लेते हैं रुपीज में, इधर हम मार्केट डिमांड ले लेते हैं यूनिट्स में, इधर हम मार्केट सप्लाई ले लेते हैं यूनिट्स में। एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल बनाना है हमने, तो हमेशा यही रखना है, सिंपल सा रखना है, वही बात, डेटा चेंज करने के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। आप बोलो कि मैम ने क्लास में ये करवाया है, मैं अपना अलग बनाऊंगा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं। जस्ट लर्न द वन प्रोवाइडेड इन द क्लास, दीज आर सिंपलेस्ट वन, 5, 4, 3, 2, 1। डिमांड वेरीज इनवर्सली विद प्राइस, सो एट रुपीज 5 इफ क्वांटिटी डिमांडेड इज 10, एट 4 इट एक्सपैंड टू 20, at 3 to 30, at 2 to 40, at rupee 1 it expands to 50 units. Supply, it varies directly with price. So say at 5, supply is 50 units. आप बेटे एक supplier हो, price जितना ज्यादा होगा उतनी quantity ज्यादा बेचने को तैयार होगे, price कम होता जाएगा, will be ready to sell lesser quantity. So now we want to study, we want to know where the market is in equilibrium, at what price what these sellers are ready to sell is equal to what the buyers are ready to
buy. So you can tell me the price at which market is in equilibrium. Anyone? क्या यहां पर मार्केट इक्विलिब्रियम पे है? यहां पर एट रुपीज 3 ओनली वही दो बच्चे, हर्षिका है, मेघा है, किंजल. ओके बेटे, दैट्स राइट. एट रुपीज 3 मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट supply. It is the state of equilibrium. Here the market clears itself. 30 क्विंटल wheat sellers लेके आए थे 3 रुपए पे और buyer ने 30 क्विंटल खरीदने में ही अपना interest show किया. They are able and willing to buy 30 tons of wheat at rupees 3. So market is in equilibrium. But what is the situation here and here? When price is say 5, demand 10 here, supply 50. When price is 4, demand 20 here, supply 40. तो क्या यहाँ पे market equilibrium पे है? क्यों नहीं? यहाँ पे कौन सी situation है फिर? क्या excess में? This is the situation of excess supply. Whereas at this price, demand ज्यादा है as compared to supply. So this situation is referred to as excess demand. ठीक है, तो अभी के लिए हम आज इतना ही करेंगे. तो कल के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमेशा मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे रिस्टोर रहता है. एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड टेम्परेरली होती है, कैसे फोर्सेस एक्ट और रिएक्ट करते हैं ताकि अल्टीमेटली मार्केट में इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो सके. ठीक है, तो कल तक के लिए आपका क्या काम है? आपने इसका डायग्राम बनाना है, स्केल आपने प्लॉट करना है, इधर आपने लेना है प्राइस. अभी लिख लीजिए डायग्राम, ये एक्सेस बना ही लीजिए. यहां पर क्वांटिटी, बताओ मुझे प्राइस पे कौन सा स्केल लोगे? 1 का 1 2 3 4 5. और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी में 10 का स्केल, 10 20 30 40 50. ठीक, सो बाय दैट बाय टुमारो आप इतना कर लीजिए या अभी बना लो इसको. यू विल बी गेटिंग टू कर्व्स, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व. पॉइंट्स प्लॉट करिए, यू विल बी गेटिंग द कर्व्स.